ठीक है बच्चों, एक न्यू अब न्यूमेरिकल्स देते हैं, आप लोग लगाइए, ठीक है, देखते हैं कौन लगाता है। तो 100 में न्यूमेरिकल कल हम पूछेंगे, हम समझा देते हैं अभी, जाते समय समझा देते हैं। आप आए होते ना, आप एक न्यूमेरिकल लगा लेते आपसे सब बन जाते हैं, हमें पता है, लेकिन आप देखते हैं। और अवॉइड करो जिन चीज़ में ज़रूरत नहीं है वहाँ छुट्टी अवॉइड करो, नहीं तो फिर हम भी सब जन्मदिन में जाना चालू कर देंगे। रोज़ ही एक काम रहते, कल ही था बहुत ज़रूरी काम लेकिन हम गए नहीं, जाते तो 3 दिन लगते कम से कम, एक दिन जाने के, एक दिन आगे, एक दिन प्रोग्राम में शामिल होना होता है ना। मम्मी से पूछ लो, आई मम्मी ने तो कितना कहा चले जाओ, लेकिन हम नहीं गए, अवॉइड किया हमने। लिखिए बच्चों क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. चलो बच्चों करके दिखाओ, फास्ट दिमाग लगाना कैसे करना है। अच्छा देखो, हम थोड़ा सा दिमाग लगवा देते हैं आपको, ठीक है। इनने हमसे पूछा फर्स्ट ऑर्डर का T half चाहिए, टी हाफ के लिए हमें क्या चाहिए, 0.693। बताओ कहीं पूरे में के दिया गया क्या। अब एक के निकालना है, और के किस फॉर्म में से निकालेंगे हम, के टी वाले से। टी हमें दिया गया है 40 मिनट, बाकी पता ही है 30% निकाल लो के जल्दी से। हम भी लगाते हैं आपके साथ, ठीक है, धीमे धीमे चलेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट में 30% डीकम्पोज हो जाती है ना? तो आंसर चालू करते हैं बच्चों, है ना, देखना ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं एग्जाम में। गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फोर्टी मिनट दिया गया है 30% डीकम्पोजिट होने के लिए। 40 मिनट में 30%, ध्यान देखो, 40 मिनट में 30% जा रही है, ये हाफ लाइफ नहीं दिया गया, 30% भाई है ना। तो इसमें टी दिया गया है 40 मिनट, और 40 मिनट में कंप्लीटेड होती है 30% डीकम्पोज्ड होती है, 30% डीकम्पोज्ड। इतना ही वैसे दिया गया, और अब पूछा है टी हाफ, टी हाफ निकालने के लिए कहा गया है, टी हाफ बताइए। अब हम अपना दिमाग लगाएंगे कि अरे टी हाफ निकालना है,
तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, दिस इज द टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और पूरे में हमें के नहीं दिया गया, के अब के कहाँ से निकाले, तो इस ऊपर की डेटा की सहायता से हम के निकालने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही के आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा, है ना, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, है ना, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, है ना, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम जानते हैं के टी इक्वल 2.303, है ना, के टी इक्वल 2.303 लॉग बेस में 10 इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम आर। के निकाल लें, हम के निकाल लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। टी दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा 100 और फाइनल 30 चला गया, 100 माइनस 30 70, कर लो सॉल्व बच्चों, आ गया। यूनिट तो लिखो, मिनट इनवर्स, अच्छा यूनिट क्या आ जाएगी, मिनट इनवर्स, के की वैल्यू यहाँ आएगी ना, मिनट, मिनट इनवर्स, नहीं नहीं के निकाला कि टी हाफ, तुमने तो के निकाला अभी, तो टी हाफ निकालो, सत्यम यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ, ध्रुव सौम्या समझ में आ रहा क्या चल रहा है ना, ये मिक्स करके दे देते हैं बच्चों, ऐसे ही तो होता है, टी हाफ दे देते के नहीं देते तो टी पूछ लेते तो फिर यहाँ आना पड़ता, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की दो क्वेश्चन मिक्स करके इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, कई बार इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है चलो तो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों आगे, ठीक है, देखो ये प्रांजल अपने ऊपर है, हमें जितना एक्यूरेट जाना है उतनी एक्यूरेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और अप्रोक्स जाते हो तो लिख दो अप्रोक्स, है ना, के इक्वल 2.303 2.303 टी दिया है 40 मिनट, तो बच्चों यहीं से यूनिट देख लो, मिनट इनवर्स आ जाएगी, यूनिट मिनट इनवर्स 40 मिनट दिया ना, और वैसे ही हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स होता है, लॉग बेस 10, अब परसेंटेज में दिया रहता है तो परसेंटेज में इनिशियल तो हमेशा 100% होगा ना, 30% ख़त्म हो गया, 30% डीकम्पोज तो बच्चा 70, 0 से 0, अब 7 में से 10 डिवाइड कर दो तो 7 1 जा 7 बची 3, दशमलव 7 4 जा 28 फिर बची 2, फिर 7 2 जा 14 तो 1.42 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ऐसे कर सकते हो या फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, लॉग m बाई n का क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग, तो हमें लॉग 10 की वैल्यू भी पता है, लॉग 7 की भी पता है ना, ये 70 देख लो, उन्होंने कहा कि 30% डीकम्पोज हो गया, ये तो होता है 100% और नीचे वाला क्या होता है बचा हुआ, तो 30% डीकम्पोज हो गया तो 100 में से 30% चला गया तो कितना बचा, 70, ऐसे ही तो कल लगाए थे सानिया, इसीलिए तो कहा था प्रैक्टिस करनी है सानिया, चलो तो इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पर इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है तो लॉग बेस 10 10/7 जे इक्वल हो जाएगा लॉग बेस 10 10/7 यहाँ भी कर सकते हो,
ये हो जाएगा log 10 माइनस log 7, log 10 की वैल्यू और 7 की 0.845। या तो आप 85 लिख लो या 845 लिख लो, करो 1 से 1.845 को सब्ट्रैक्ट, 0.15 कर लिया सबने सब्ट्रैक्ट, बनता है ना 1.0 0.845 5 5 1 कैंसिल। साइड में कर लिया है ना, साइड में करने से हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा, इतना बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो के आ गया 2.303 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाई 0.155 3 थोड़ा सा डेसी बन जा रहा। हाँ हाँ प्रांजल गलत हो गया, सही है आ गया क्या तुम्हारा अप्रोक्स मानना क्या, ठीक है चल जाए। बताओ ध्रुव इसका आंसर कितना आया, करो फिर सबको करना, हम किसी भी कॉपी आके चेक करेंगे, बैठना किसी को भी नहीं है। कोई वैल्यू पूरी पूरी नहीं जा रही है ना, इसको करते हैं कैंसिल करके देखते हैं कितना होता है, ठीक है। डेसिमल हटाना है तो हटा लो डेसिमल, अगर हटाने हैं तो, नहीं हटाने तो ना हटाओ, हटाने हैं तो हटा लो। 1 2 3 1 2 3 पावर 6 और एक ही जोड़ देना तो पावर 7 हो जाएगी, लो हटा दो। मैथ वाले बच्चे तो कैसे भी कर लिया करो, डेसिमल तो आपके हाथ में, घुमाया लाए भगाया। फोर से इसको करके देखते हैं, 4 3 12 बच्ची 3 35 4 8 32 फिर बच्ची 2, लेकिन 2 नहीं जाएगी 4 से, तो डेसिमल रखो तो 4 5 20। लो बच्चों ये हो गया, ये आया 2303 इंटू 38.5 और नीचे पावर 7। फोर से कर दिया इसको डिवाइड हमने, 4 से 0 पे इसको दे दिया ऐसे, 0 0 तो ऐसे ही साइड में घुमा दिया करो। करो भाई मल्टीप्लाई 38.5 का 2303 में, लगा लो अपनी अपनी गणित जिसको जैसा मल्टीप्लीकेशन आता है, जल्दी करके बताओ। I'm 28.75.
आ गया 38.75 का 38.5 बेस है। देखो 4 से डिवाइड करो ना इसको, थर्टी टू जा रहा था ना। देखो यहाँ पर नैन्सी, 4 3 12 बच्ची 3 मतलब 35, तो 4 7 तो 28 होता है ना, 4 8 32 तो फिर तो यहाँ पर 30 फिर 3 बची है ना, तो फिर 3 बची, फिर 4 7 20 और फिर 4 5 जा। लो शुरू से करो, 38.75 का करो 2 3 0 3 मल्टीप्लाई। बताओ इतने बच्चों में से नैन्सी ने क्रॉस चेक किया, बच्चों चेक किया करो क्रॉस। हालांकि आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि 0.5 है, लेकिन फिर भी गलत तो गलत ही कहलाएगा ना। आ गया बताओ। बोलो नेहा, 8.924 10 की पावर माइनस 7। अच्छा इसको तुमने साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आया होगा 89241 और पावर इनवर्स 7 के साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है। यूनिट क्या होगी, मिनट इनवर्स, कि यहाँ 40 मिनट रखा था ना, तो मिनट इनवर्स यूनिट जरूर लिखनी है, वो तो टी हाफ की आएगी मिनट, ये तो अभी इसकी निकाली ना, के की मिनट इनवर्स। कैसे भी करूं तो आपकी मैथ, कैसे भी करूं, हाँ चल रहा है, इसको अप्रॉक्स 9 भी मान सकते हो आप, अप्रॉक्स 9 भी मान सकते हो, हमें नहीं पता। चलो बताओ हमें इसका मल्टीप्लाई कितना है, इसका इस 2 4 10 9 क्यों ऊपर का पॉइंट, अच्छा ये भी हटा दिया था, ये भी हटा दिया था, एक एक दो तीन चार पाँच छ इनवर्स 3 यार खिसकाओ, डेसिमल यहाँ से खिसकाओगे ना, यहाँ रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 तो इनवर्स 3। एट पॉइंट नाइन टू फिर ठीक है, इतने 8.9 मान लो। चलो टी हाफ निकाल के दिखाओ, सबका यही आया था, चेक करो पहले एक क्या आया, 0.921 जी, वो तुमने 16 मान लिया ना, तो ठीक है सही है, 0.00921 हाँ तो ठीक, तो है सही तो आया, सही है इनका आ रहा 0.0089, तुम्हारा आ रहा है 0.09, ठीक तो है सही तो है, तुमने उसको इसको वो मान लिया था ना 16 है ना, तो ठीक तो है सही तो है।
तो 0.09 आया इनका एट। अब आंसर में तो वो फर्क आएगा ही अप्रोक्सीमेट, सही तो है बच्चों, ये तो आप लोग समझते होगे ना, ये तो अप्रोक्स वाला मामला है। के निकल आया ये। अब जल्दी से टी हाफ निकाल के दिखाओ। हाँ वो तो आ नहीं परेशान, दोनों मिलकर हमें परेशान कर। अब अप्रोक्स लो है तो वो तो अलग अलग आएगा ही। जो मैथ है अपनी अपनी लगा लो, कोई 2 3 6 बोलेगा, कोई 3 2 6 बोलेगा। चल फ्रॉम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो देखिए टी हाफ निकालना है इक्वल 0.693 अपॉन के। देखिए टी हाफ 0.693 अपॉन के है ना, के को इतना ले लेते बच्चों तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 8.92 ले लेते हैं, लगभग वही है 8.92। ठीक है, आगे 4 है, बड़ा नंबर होता है तो इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, मान लो कोई बहुत ही सरल जाता है तो इसको 9 ले सकता है, 8.9 को 9 ले सकता है, लेकिन पर इतना ज़्यादा करोगे तो थोड़ा आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। टेन इनवर्स 3 है ना, यूनिट यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स, तो आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में है ना, मिनट इनवर्स 77.6। और आपका कितना आया, 75.5। वो थोड़ा सा जो वो आया ना उसी के कारण आया है। कितना बोला आपने, ये सब हट गया, सब हट गया 77.6 मिनट। बच्चों देख लो सब लोग सॉल्व करके, देखो बोर्ड लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्रोक्स लेते हो तो आप लिख दो अप्रोक्स, उनको आपके कैलकुलेशन देखना है, वैल्यू देखनी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे तो आप अगर आंसर में बहुत डिफरेंस देख रहे हो कि कोई 1 2 है, कोई 0.5 है, कोई 0.7 है, तब तो अप्रोक्स ले लो, लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल ही आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा बहुत कम, तब अप्रोक्स नहीं ले सकते, फिर तो एक्यूरेट जाना पड़ेगा, ऑप्शन देख के सॉल्व करने पड़ते हैं कि अगर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है तो आप अप्रोक्स ले लो, हम आंसर के करीब पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत कम है तब अप्रोक्स नहीं लेना है। बोर्ड लेवल पे तो चल जाते हैं, कोई भी बोर्ड लेवल हो सही है। इनवर्स 3 को सॉल्व कर लिया, आपका इनवर्स 3 आया क्या, कितना आया बताओ सर, 75.2 77.6, वो वहीं का है ना, आपने 16 माना है, हम देख लेते हैं एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर है 77.7 मिनट, हमारा आया 77 पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम अप्रोक्स माना है ना, आप चल जाएगा बच्चों उसमें टेंशन मत लो, कुछ 77.7 मिनट, सब लोग देख लो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है बच्चों, अप्रोक्स तब मानो जब आपको लगे ज़रूरत है, हर चीज़ में अप्रोक्स नहीं डालना है, लगे कि हाँ ज़रूरत है तो कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन हम ऐसे सेट करके लगवा दें कि एक से क्वेश्चन एक साथ लगवा दें। सत्यम आंसर आ गया, ध्रुव तुम्हारा, अगला लिखो। A first order reaction is 90% completed
इज 90% कंप्लीटेड इन 40 मिनट। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। कर लो बच्चों, मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, अब सब लोग कर लो, है ना, जल्दी से। चलो गिवन है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ध्रुव जल्दी से आंसर निकाल के दिखाओ बेटा, और जय जल्दी से आंसर निकाल के दिखाओ। टी दिया है 40 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट में 90% कंप्लीटेड हो रही है। ठीक है, अब पूछा है टी हाफ, और टी हाफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर का होता है 0.693/k। के पता नहीं है हमें, के निकालो तब तो टी हाफ निकलेगा। आ गया कितना, 12.0 यूनिट मिनट आ गया कितना, और आंसर टी आप, टी आप आ गया, बताओ कितना आया। टी आप नहीं आया, अभी टी आप निकाल के दिखाओ। अब बच्चों आप लोगों ने लगाना चालू किया है, अब थोड़ा थोड़ा 1% लेवल आ गया अपना। कितना कंप्यूटर फेल कर दिया तुमने, और गलत कैसे होगा, अप्रॉक्स मानो तब आगे पीछे आए, जब तुमने अप्रॉक्स मानी नहीं तो फिर क्या। सत्यम कितना आ गया, आ रहा। ध्रुव कितना, एक ठीक। जीरो 3 तो इसकी आ जाएगी नीचे, पावर 3 हो जाएगा, तो तब भी तो पावर 3 यहाँ और एक यहाँ, इसका भी हटाया ना, तो अभी भी तो इनवर्स 2 बचेगा, तो इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो 2 जीरो लग जाएंगे इसमें। अरे बेस थोड़ा बहुत वो अप्रॉक्स का आया होगा, 12 आंसर आ रहा है, 12 मिनट। हाँ टी हाफ आ रहा है 12 मिनट। अब किसका 12.1 आया, किसी का 12.03 आया, तो वो चल जाएगा। सानिया आ गया,